नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीसीएम श्रीराम के बारे में, क्योंकि डीसीएम श्रीराम का जो रिजल्ट है जून क्वार्टर का वो आ गया है। तो चलिए देखेंगे कि डीसीएम श्रीराम का किस तरह का रिजल्ट आया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर आपको मॉर्निंग में ही जानकारी दे दी जाती है कि आज किस कंपनी के रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप हमेशा किसी भी कंपनी के रिजल्ट के बारे में अपडेट रह सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सीडीएम श्रीराम के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, कि ये कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो डेटा प्रेजेंट हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जून क्वार्टर का डेटा है, और ये जो फिगर आपके सामने मेंशन है वो फ्रेंड्स इन करोड़ में मेंशन किया गया है, तो आप इसे इन करोड़ में ही कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, दोनों को मिला लेंगे तो जून क्वार्टर में इसने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है 2,999.90 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में ये कंपनी जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम से, वो 2,901.64 करोड़ का, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में ये कंपनी जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 2,025.11 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस यानी टोटल इनकम में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, तो आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज भी अगर कंपेरिजन करेंगे तो भी आपको इसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, और अगर क्वार्टरली वाइज भी कंपेरिजन करेंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें एक सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स, कि इस कंपनी ने जो अपना टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 2,971.83 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इसने जो अपना टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 2,873.27 करोड़ का, जबकि इसने जून क्वार्टर में टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था 2,007.83 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ दिखाया है। ये फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये कंपनी जितना अपना इनकम प्रेजेंट किया है उसके अपेक्षा ये एक्सपेंस कितना किया है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ टोटल एक्सपेंस प्रेजेंट हो रहा है, और ये कंपनी जो जून 2022 में अपना टोटल एक्सपेंसेस पोस्ट किया है वो 2,613.25 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया था वो 2,316.97 करोड़ का, जबकि जून क्वार्टर में ये कंपनी पिछले ईयर जो पोस्ट किया है टोटल एक्सपेंसेस वो 1,809.41 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर इनका टोटल इनकम बढ़ा है तो यहाँ इनका जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए आपको दिखा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस कंपनी को जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है जून क्वार्टर में वो 253.96 करोड़ का, जबकि पिछले जून क्वार्टर में इस कंपनी को जो टोटल नेट प्रॉफिट हुई थी वो 401.19 करोड़ का, जबकि जून क्वार्टर पिछले ईयर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 157.87 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि अगर ईयरली कंपेरिजन करेंगे तो कंपनी में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत हद तक बढ़ा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि कंपनी ने यहां गिरावट दर्ज की है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसे माइनिंग करेंगे तो आपको ये अवश्य लगेगा कि यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने एक्सपेंस जो किया है वो पिछले क्वार्टर में के तुलना में इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि करीब करीब 300 करोड़ का यहाँ डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है। अगर यही 300 करोड़ अगर इसमें ऐड कर दिया जाता 553 करोड़ से भी ज़्यादा का इस कंपनी नेट प्रॉफिट पोस्ट कर सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंस अगर कर रही है तो एक अच्छे वे में ही एक्सपेंस कर रही है। तो कंपनी अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, और इनका जो ऑल ओवर रिजल्ट आया है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।